दोस्तों यहां पर हमारे भैया आए हुए हैं और ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर उस बंदे के लिए जो पावर मास गेनर ले रहा है या लेना चाहता है। पहले तो ये इंडिया का नंबर वन मास गेनर है और भैया ये इंडिया के नंबर वन मास गेनर है, खुला हुआ वापस ले आए हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, ये देखो यहाँ पर एक खाली बाल्टी है और इसके अंदर से निकाल लिया खुला हुआ वापस। भैया पता नहीं क्यों लाए हैं, जरा जानते हैं भैया इस खुले हुए पावर मास गेनर का मैं क्या करूंगा, क्यों लाए हो जी इसको आप वापस, समझाना मुझे। चेक करवाने के लिए आया, खराब तो नहीं हो गया इसके लिए आया। चेक करवाने के लिए लाए हैं कि खराब तो नहीं हो गया, कितने दिन से रखा हुआ है ये हो गए भैया 4 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए समझ। 4 महीने से रखा हुआ है, कब लेके गए थे इसको? इसको लेके गया था 8 महीने हो गए, 8-9 महीने से। 8-9 महीने मतलब 2023 में लेके गए थे, दिसंबर 2023 में लेकर गए थे। फिर भैया ने खा लिया इसमें, मतलब कितना बच रहा है, कितना बच रहा हो? 2-1 किलो इसमें बच रहा है, 4 किलो खा गए हो भैया, 4 किलो खा तो गए हो, कितना रिजल्ट आया, क्या मतलब बड़ा बताओ कुछ। भैया जब मैं आया था यहाँ पे लेने तो मेरा वजन था 47 किलो वजन था, 47 किलो वजन था, ठीक है। अब फिर मैं अब आया तो उसमें बैठा है 57 वजन, 10 किलो वजन। 4 महीने छोड़ने के बाद भी मेरा वजन उतना है कि उतना ही है, घटा बिल्कुल नहीं, बढ़ ही रहा है। सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ भैया। अरे यार ये भाई विश्वास नहीं करेंगे। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं बथुरा का हूँ। हाँ। और मैं आया हूँ सप्लीमेंट भैया जो कृष्णा प्लाजा के अंदर है। हाँ। तो आप भी यहाँ पे आइए, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हाँ। आप लोग यहाँ पे विजिट करें एक बार, भैया से मिलें। पर हमारे कुछ फैमिली मेंबर हैं जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल घूमते रहते हैं, वो पता क्या कमेंट करेंगे, अरे भूपेंद्र पैसे कितने दिए ये बता दे, ये सब कुछ बुलवाने के लिए। पैसे 1 रुपया नहीं दिया भैया, सच बता। सच बोल रहा हूँ भैया। भाई देख लो, मतलब जो है मैं भाई यहाँ पे और भाई भी बैठे हुए हैं, भैया मैंने पैसे वैसे दिया है क्या इनको? कोई पैसा नहीं दिया है। आप कमेंट करते रहते हो ना, इंडिया का नंबर वन मास गेनर मैं इसीलिए इसको कहता हूँ। देखो भैया का 4 किलो से 10 किलो बढ़ गया है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट है इसके, वरना 4 किलो से 7-1 किलो तक तो बढ़ जाता है। पर भैया ने डाइट अच्छी बता रहे हैं कि भैया ने जैसे मैंने बताया था ऐसी केले ब्रेड दूध वगैरह सारी है ना, ऐसे खाया, 10 किलो वजन बढ़ गया 4 किलो में ही। और आप बता रहे थे पहले आप कुआरे थे जब आप लेने आए थे। हाँ जी, शादी नहीं थी इसीलिए लेने आए थे कि शादी घोड़ी पे अच्छे लगो। हाँ जी, तो भैया शेरवानी वगैरह जो पहनी तुमने बढ़िया लगी थी, अच्छी लगी थी, खूब अच्छी लगी। 6-47 से अब जो है 57 हो गए हैं, 4 महीने हो गए इसको छोड़े हुए, अब भी नहीं घट रहा है वजन, और ये पूरी जिंदगी भर नहीं घटेगा, बढ़ फिर भी जाएगा घटेगा नहीं, यही शरीर की वजह से। आज 50,000 सब्सक्राइब भी हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। 50,000 सब्सक्राइबर भाई, क्या यूट्यूब चैनल है ये तो बताया नहीं तुमने। ब्लॉगिंग डालता हूँ और कपल वीडियो वगैरह ऐसा डालता हूँ। तो भाई देखना जरा इनका, इनका चैनल देखो, नाम बताओ चैनल का। भूपेंद्र राखी ब्लॉग। जी भूपेंद्र राखी ब्लॉग, मतलब वाइफ के साथ डालते हो? हाँ वाइफ के साथ। गुरु वाह क्या बात है भैया, देखना जरा कैसे ब्लॉग इनके। एक चैनल भी और है और आरवी ब्लॉग करके, उसमें 2.5 लाख सब्सक्राइब है। जी 2.5 लाख, पर वो डिमोनेटाइज है, उसमें अर्निंग नहीं हो रही है, थोड़ा बंद कर दिया है वो। चलो कोई नहीं, इनके पुराने वाले ब्लॉग देखो, नहीं देखो। और भैया फिर एक ब्लॉग आपने पावर मास गेनर लेकर नहीं बनाया है ना, सप्लीमेंट्स वाला को लेकर नहीं बनाया है ना, हमारे साइड मतलब कोई विश्वास नहीं करता है इन पर। लेकिन जब कोई लेगा एक बार देखेगा भैया की शॉप पे आकर, तो पता चलेगी वो रिजल्ट क्या मिल रहे हैं। तो एक बार मैं तो यही चाहूंगा कि दुकान पे आए और एक बार जरूर लेकर देखे कैसा रिजल्ट आता है। तो भूपेंद्र एक काम करते हैं भाई, देखो सप्लीमेंट्स वाला पर तो जाएगी ये वीडियो, ठीक है, सप्लीमेंट्स वाला परिवार भी 7 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, जाएगी, ठीक है। भैया मुझे एक चीज बताओ, ये वीडियो एडिट करके मैं आपको भी दे दूंगा, आप अपने वाले पे डाल देना, बताओ। मेरा कैटेगरी अलग है ना, कैटेगरी वीडियो उसमें अलग चलते हैं और ये वाला नहीं चलता। और मैं आपको ना स्ट्राइक दूंगा ना कॉपीराइट दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, आपका ही फायदा मेरा भी फायदा, बताओ। हाँ 2.5 लाख वाले पे मैं डाल दूंगा वीडियो। चलो ये वाला, हाँ क्योंकि इसमें मैं वर्क नहीं करता हूँ, छोड़ दिया मैंने उस पर। अच्छा चलो मतलब ठीक है, ऐसे ही पढ़ा है चैनल, कोई नहीं कोई डाल दूंगा वीडियो, देखो कोई बात नहीं, मैं इसको सप्लीमेंट वाला पे डालूंगा, मैं सिर्फ भैया से रिक्वेस्ट कर रहा था। नो डाउट भैया का कंटेंट जो है व्लॉगिंग का है, तो वो ये कंटेंट अलग है, तो सेम जो है हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, भैया से फोर्स नहीं है, रिक्वेस्ट है भाई से। अच्छा भैया घट पावर लिया था? घट पावर लिया, खत्म हो चुका है, मैं दिन में लेता था इसको खाना खाने के बाद। और भैया इसके क्या रिजल्ट आए? इसका भी बेहतरीन रिजल्ट आया, एक नंबर, ना कोई साइड इफेक्ट ना कुछ, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम बढ़िया रिजल्ट है इसके, 100 में से 100 रिजल्ट है। अच्छा भैया ये तो चलो, आपने सप्लीमेंट्स अलग तरह से पूरी सपोर्ट रहती, जो मैं गला फाड़ता, क्या क्या सपोर्ट थी बताते हैं, जो भी बताते हैं अच्छा बताते हैं, बिल्कुल सबको, कहीं ये लेना है डाइट भी रखनी है, सब कुछ बताया ए टू जेड। तो भैया अगर कोई दुबला पतला है कौन सा मास गेनर लेना है? पावर मास गेनर, गट पावर और बहुत सारे हैं इस पर, जो सबसे पहले सप्लीमेंट बिल्ला पर आओ जी, वहीं से लेना, जो लेना वहीं से लेना, बाकी किसी पैसे नहीं लेना। और भैया 5 स्टार में से क्या रेटिंग है जी? 5 स्टार में 5। चलो 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग है। ये सारी चीज़ें मैंने तो भैया से, भैया ने कह दी और मैंने जो है प्रश्न कर करके एक अच्छा एंकर बन के मैंने जो है सवाल पूछ पूछ के जवाब निकलवा लिए। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं यार, मेन मुद्दा ये है
कि भैया कह रहे हैं कि भैया इसको जो मुझे बताओ कि 4 महीने हो गए इसको रखे हुए, ये सही है या ख़राब हो चुका है। इसको लेकर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ इसको लेकर। दोस्तों अगर आपने कोई प्रोटीन लिया है, कोई गेनर लिया है, कुछ भी एक्सपायर्ड लिया है, तो आपको 3 स्टेज पर उसको चेक करना है। 3 स्टेज पर वो चेक हो जाएगा। सबसे पहली 6 स्टेज तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। भैया पकड़ना जरा, भूपेंद्र भाई पकड़ो इसको। सबसे पहले चीज़ देखेंगे हम कि ये एक्सपायर है नहीं है, वो सबसे वो 3 स्टेज। अरे भाई कहाँ है इसका वो? वो तो मैंने हटा दिया। कोई देखे ना, वो सब क्या लेके आए भाई यार। अब इसकी एक्सपायरी क्या चेक करूंगा? अच्छा चलो, कितने दिन पहले गए थे? दिसंबर में 2023 दिसंबर में उस पर डेट रहती है, एक्सपायरी डेट 2026 शायद। ठीक है तो मुझे पता, ठीक है 23 मतलब एक्सपायर नहीं है। तो चलो कोई नहीं, भैया ने हटा दिया उस पे से। मैंने नहीं हटाया, भैया ने हटाया। अब हम अपनी पहली स्टेज पे आते हैं जो इसको चेक करना है। प्रोटीन को भी ऐसी चेक करना है, गेनर को भी ऐसी चेक करना है। अगर आपने रख दिया है वो खराब, सबसे पहली स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है कि आपको ये प्रोटीन, जो प्रोटीन या गेनर पाउडर जो है उसको पहले, सबसे पहले चेक करके देखना है। ऐसे ऐसे चेक करके देखना, भैया देखो जरा खुद अपने हाथ चेक करके, क्या इसमें कोई गांठ बन रही है? नहीं। क्या कोई मॉइस्चर आ रहा है? नहीं। इसका बिल्कुल टेक्सचर या इसका जो जो भी थिकनेस है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे खरीदा था। जैसे खरीदा था वैसे ही है, और वैसे ही खुशबू जो आ रही है इसमें, चॉकलेट फ्लेवर बेहतरीन है। ठीक है तो पहली स्टेज पे क्लियर हो गया, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई गांठें नहीं बन रही है, कुछ भी इसमें ऊपर नीचे नहीं हुआ है। दूसरी स्टेज है कि हम इसको स्मेल करके देखेंगे, इसको सूंघ कर देखेंगे हम कि इसमें से कहीं कोई अजीब सी स्मेल तो नहीं आ रही है। भैया एक बार जरा देख लो सूंघ कर, चॉकलेट की ऐसी आ रही थी ना पहले भी। तो हाँ मैंने मास गेनर की ओपनिंग वीडियो, लैब टेस्ट वीडियो सब बनाई है, आप देख सकते हो। तो मुझे पता है मास गेनर मैंने खाया भी है, खा के भी बताया आपको कैसे खाना है, वो भी देख लो। तो यहाँ पर जो है दूसरी स्टेज भी ठीक है, बिल्कुल ऐसी स्मेल आ रही है, मतलब स्मेल नहीं कहेंगे, खुशबू इसमें से आ रही है, खुशबू आ रही है चॉकलेट फ्लेवर की, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर है ये। अब है हमारी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज पर आपको 2 तरीके से इसको चेक करना है। पहला तरीका, भूपेंद्र इसको थोड़ा सा चक्कर बताओ, मैं भी थोड़ा चक लेता हूँ, आप भी थोड़ा चखो कि इसमें टेस्ट में कोई खटास एक्सपायर्ड तो नहीं है। भाई मुझे भी कोई खटास नहीं लगी। हाँ कुछ भाई बैठे हुए उनसे चेक करा दें, भैया आप भी चेक करना प्लीज़, कोई खटास कुछ एक्सपायर्ड, कोई कड़वाहट, सेम है ना सब? तो यहाँ भैया ही बैठे हुए, भैया ने भी सेम बताया है, भैया आप भी चेक करके देख लो, आपको भी खाना है पावर मास गेनर, करो चेक जरा, कोई खटास कुछ एक्सपायर्ड, सेम है ना? सेम है। तो अब ये तीसरी स्टेज में भी पास हो गया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, जब आप इसको खा लें, खाने के बाद कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा? क्योंकि देखो जब ये ओपन हो जाते हैं ना, अब जब तक ये इस डिब्बे में बंद है कोई भी प्रोटीन गेनर एक्सपायर्ड, तब तक की एक्सपायरी होती है, मतलब बंद डिब्बे की एक्सपायरी होती है वो 18 महीने, किसी की 2.5 साल, किसी की 2 साल। ओपन होने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी एक्सपायरी है इतनी, नहीं, ओपन होने के बाद आपको ये 3 से 4 महीने में खा लेना चाहिए। तो जब आपने ये, आपने इसका टेक्सचर देख लिया, छू के देख लिया, आपने सूंघ कर देख लिया, आपने जो है इसको खाकर देख लिया, सब कुछ ओके, और खाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा, तो आप इसको निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये 3 स्टेज में से किसी एक भी स्टेज में ये फेल हो रहा है, तो भैया इसको उठाओ और नाली में डालाओ, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं, कोताही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई काफ़ी बार जो है कॉन्टैक्ट में मॉइस्चर जाने से कुछ भी XYZ तो ये ख़राब हो भी जाते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। भाई हमारी दाल चावल चीनी जो होती है उसमें भी तो जो है वो चींटी वगैरह लग जाती हैं, वो भी तो ख़राब हो जाते हैं, तो नेचुरल बात है, इसमें कोई दिक्कत, पर ये नहीं कि खराब हो गया फिर भी खा रहे हो, गलत है। तो पावर मास गेनर भैया इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भूपेंद्र मेरी तरफ से थम्स अप है भैया, इसको आप यूज़ कर लेना। कितना वजन है अभी आपका बता देते आप? 57 किलो वजन है। इसको खाने के बाद बड़े प्यार से 60 क्रॉस कर जाएगा, 2 किलो बच रहा है यार ये, इससे बड़े प्यार से 3 किलो और वजन बढ़ जाएगा, 3-4 किलो इनका, तो इनका जो है 60 क्रॉस हो जाएगा, फिर उसके बाद ज़िंदगी में खाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो भैया ऐसे आप चेक कीजिए और पावर मास गेनर ऑर्डर करो। अगर दुबले पतले हो, खाया पिया नहीं लगता है, तो पावर मास गेनर इंडिया का नंबर 1 मास गेनर है, ऑर्डर करो। ये सारे आउटलेट्स हैं, जाओ भी नज़दीकी आउटलेट, जब भैया मथुरा गए तो मथुरा आउटलेट आ गए, ऐसे आप आगरा हैं तो आगरा आउटलेट जाओ। ये देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं, यहाँ पर आप विजिट करो, या फिर आप जो है supplementsvilla.com विजिट करो, या कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए कॉल करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है। अगली बार मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑर्डर करो पावर मास गेनर। नमस्कार।